पूजा स्वभाव यात्रा चल रहा था उसमें थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं था, मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ मैं था। अच्छा, इसके बाद बोला ठीक है आप चलो बस गवाही देके चले आओगे। अच्छा, तो मेरे भाई था जिन्हें पूजा करवाया है, तो बोला हाँ चलो ठीक है। उसके बाद तो बिल्कुल अंडर कवर जो था, मेरे घर से 5-6 बंदे को उठा के ले गए, 6 बंदे को उठा के ले गए। मेरे जहांगीरपुरी की शोभा यात्रा हनुमान जयंती के अवसर पर जो पथराव का मामला जो सामने आया उसको लेकर के कुछ गिरफ्तारी हुई है, उनमें से एक हिंदू परिवार यहाँ से मौजूद है। क्या नाम है आपका? दुर्गा हुई है, क्या था मामला? मामला कुछ नहीं था, मेरे घर से 5-6 बंदे को उठा के ले गए, 6 बंदे को उठा के ले गए मेरे परिवार से, 6 बंदे को लेके गए थे। उसमें से मेरे अपने 5 मतलब मेरे देवर, मेरा पति, मेरे तीनों बच्चे और मेरे पड़ोस में मुगला भाई, उनको मिला के 6 बंदे को अपने गले से लेके गए। क्या क्या नाम मान के? सुरेश सरकार, सुखेर सरकार और मेरे तीनों बच्चे सूरज, नीरज, सूर्य, छोटा वाला नाबालिग है। अच्छा, तो कब पुलिस लेके गई? ये लेके गए इतवार को, लेके गए रविवार को, ये बोल के लेके गए आप रैली में थे बस पूछताछ के लिए लेके जा रहे हैं, इतना ही बोला है और कुछ नहीं बोला। तो आप जब गए तो पूछताछ के लिए, उसके बाद क्या बोला? हमने इंतजार करा कि पूछताछ करके छोड़ देंगे, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो ले जाके बंद कर देंगे, क्या गैप कर देंगे, भगवान जाने वही जाने कहाँ छुपा दिया, कहाँ रख लिया, हमें उसकी जानकारी बिल्कुल ही नहीं है, कहाँ है क्या नहीं है कोई जानकारी नहीं है। मैं खुद परेशान हूँ। बोला है कि आप लोग मतलब कि जो पूजा स्वभाव यात्रा चल रहा था उसमें थे, तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं था, मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ मैं था। अच्छा, इसके बाद बोला ठीक है आप चलो बस गवाही देके चले आओगे। अच्छा, तो मेरे भाई था जिन्हें पूजा करवाया है, तो बोला हाँ चलो ठीक है। उसके बाद तो बिल्कुल अंडर कवर जो हो जाते हैं कि बस कहानी खत्म। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सुजीत सरकार। प्रशासन की कार्य पे आपको भरोसा नहीं है? मतलब नहीं भरोसा है, देखा अब वो लेके गए जिसको, अब जो सरकार करेगा करेगा, अब हिंदू है तो उनकी तरफ से हो रहा है तो हिंदू की तरफ से भी होगा। तो मैम जैसे अब परिवार है, जैसे कि जो लालन पोषण करता है वो गिरफ्तारी हो चुकी है, तो परिवार का फिर कैसे लालन पोषण करता है? परिवार का लालन पोषण, अब हम गरीब है, हम दोनों मियाँ भी काम करते हैं, अब ज़्यादा भार सब मेरे ऊपर ही आएगा, मैं लेडीज को क्या करती हूँ। हाँ बच्चे, 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की। तो फिर आप सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से काम करें, सरकार जो दे रहे हैं वैसे भी दे रहे हैं, सरकार के यहाँ पे रह रहे हैं, क्या कर सकते हैं। कुल मिला के ये जो है आरोप लगा दिए खड़े होकर सकल बंदे को, चलो टेबल लगा दो, हां तो बोलते क्यों नहीं हो? नहीं वो अकेला बोल रहा है, तू भी बोल। जो मैं हस्बैंड को लेके गए थे क्योंकि उनका वैसे भी खास फ्रैक्चर है और वो बस पकड़ के थे बस। तो क्या लग पा रहा है कि कब रिहाई हो सकती है? हो सकता है रिहाई, हो सकता है। हमारे चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से आप सरकार से और प्रशासन से, पुलिस बल से क्या गुजारिश करना चाहते हैं परिवार के लिए? परिवार के लिए गुजारिश क्या करूँ, जो उनको लगे यहाँ भाई गरीब है कुछ है तो उनको हेल्प करना चाहिए, तो हो सकते हैं वो जरूर करेंगे। सरकार हमारे लिए बनी है, हम पब्लिक है, करेंगे जो उनको अच्छा लगेगा। तो हिंदू परिवार से हमने जानकारी, अहम जानकारी अभी ली है, तो परिवार का कहना है कि काफ़ी लोग यहाँ से लेकर चले गए, और मेन बात यह है कि नाबालिग भी पुलिस प्रशासन साथ को लेकर के चली गई है। तो आगे की जानकारी आप हमारे चैनल के माध्यम से ले रहे हैं, और जब से शोभा यात्रा में पथराव हुआ है, डबल की टीम ने पूरे जोर से दिखा कि क्या हुआ है यहाँ पर शोभा यात्रा में, तो आगे की तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए डबल।